इनकलाब जिंदाबाद, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। हल्द्वानी नगर निगम के 44 नंबर वार्ड में इस समय हम मौजूद हैं और ये संगम बिहार का इलाका है। एक सड़क के बारे में आपको बता रहे हैं, ये जो सड़क है इसको अब से 6 महीने पहले रातों रात खोद दिया गया और उसके बाद से ये सड़क अभी भी जस की तस पड़ी हुई है। कई बार इसकी शिकायत जो यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, वो उच्च अधिकारियों से कर चुके हैं, बावजूद इसके इस सड़क पर कोई भी काम शुरू नहीं हो रहा है। सड़क के दोनों ओर नालियाँ बनाई गई हैं, जो नालियाँ टूटने लगी हैं क्योंकि 6 महीने से पहले से ये बनी हुई हैं। कई घरों में जाने के लिए रास्ता नहीं है, उस रास्ते के आगे गहरी गहरी नालियाँ खोदी गई हैं, सड़क खस्ता हाल है। और जो यहाँ के जो लोग हैं, अब उन्होंने ये मन बनाया है कि यदि सड़क नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव जल्दी ही होने हैं और लोगों ने ये मन बनाया है कि यदि सड़क नहीं बनेगी तो वो अपना वोट नहीं देंगे। जो यहाँ के लोग थे उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनसे मुलाकात की थी और नगर आयुक्त ने इस सड़क को बनाने के लिए जो ठेकेदार हैं उन्हें 2 दिन का समय दिया था। बावजूद इसके इस सड़क पर अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। इस सड़क की जो लंबाई है वो 350 मीटर बताई जा रही है और इस सड़क को, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 6 महीने पहले से इस सड़क को खोदा गया था और अब तक इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त 2023 में रोड खोद दी गई थी किसी अन्नाडी ठेकेदार द्वारा, बगैर सोचे समझे, किसी बगैर सोचे समझे बना खोद दी गई थी। और तब से हम लोगों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है कि मतलब बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं और हम लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अभी 2-4 शादियाँ हुई थी कॉलोनी में, 2-4 शादियों में हमारे मेहमान लोग आए, मेहमान लोग कि घुंडे थे, पैंट हटे अपने कपड़े समेट के आए, हाथों में जूते लेके आ रहे थे, बड़ा अजीब दयनीय स्थिति हो रही थी, मैं देखने लायक हो रही थी। और हम यही चाहते हैं कि हमारी रोड बने, अन्यथा हम पूरे खराब निवासी रोड नहीं तो बोर्ड नहीं एक ही नारा लगाएंगे और इसका बहिष्कार करेंगे पूर्ण तरह चुनाव का। देखिए, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में है और हमारे द्वारा जो ठेकेदार है उसको वार्निंग दे दी गई है, यदि वो अगले 2 दिवस में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसकी FDR जब्त कर ली जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दूसरे ठेकेदार से कार्रवाई कराई जाएगी। इसमें हमारे जो AE हैं नोटियाल साहब, उनको पूरी जिम्मेदारी दे दी गई, उनको जांच भी दे दी गई है, तो ये अंतिम अवसर उस ठेकेदार को दिया गया, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।